चू गेट अभी यार ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे शाम के साथ और मैं जा रही हूँ मार्केट, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं फ्रेमिंग कहाँ पे करवाती हूँ बनारस। एक्चुअली मैंने कुछ पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, मैंने फ्रेम करवा के लेके आई थी, तो पर इसमें थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आ चुका है क्योंकि फ्रेमिंग करवाने के बाद मैं रिसीव नहीं कर पाई, मेरी रूममेट लेके आई है, तो जो जो मिस्टेक था वो बता नहीं पाई, तो वापस से मुझे इसे ठीक करवाने लेके जाना पड़ रहा है। तो आज जाती हूँ मैं इसे वापस से ठीक करवा के लेके आती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत टाइम बाद मुझे स्कूटी की चाबी मिली है, और आज मैं जा रही हूँ स्कूटी से विथ मेघा और फिजा के साथ, दोनों को बैठा के, और मैं बहुत टाइम बाद आज स्कूटी चला रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे स्कूटी लेने के लिए मना नहीं है, मतलब मेरे जो हॉस्टल के ऑनर है, जो अंकल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और वो मुझे हमेशा मुझसे कहते भी कि स्कूटी लेके जाया करो, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता, मैं लेके नहीं जाती हर बार, क्योंकि जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े नहीं लेके जाना चाहिए। तो आज ज़रूरत है, तो आज हम लोग तीनों स्कूटी से, और फर्स्ट टाइम मैं आज ये लोगों को बैठा के लेके जाऊँगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है, मस्ती भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। चले मेघा। यस मेघा रेडी है, और हम लोग का पूरा अलमीरा भी खुला हुआ है, बंद, उसको बंद कर दे। तो फिर अब देखते हैं कि फिजा रेडी है कि नहीं, तो चलते हैं। बाहर की लाइट्स ऑन, तार लगा देना। Are you ready? Yes, I am ready. चले फिर। चले। तो बहुत टाइम बाद फिजा का कमरा आप देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है मेरा। आज थोड़ा सा सरियाई है मैडम ने, वरना दो दिन पहले देखते तो देखने लायक नहीं होता उसका। तो हम साफ कर रहे थे रूम, ठीक है। दो दिन पहले अगर आप लोग देखते तो देखने लायक नहीं होता इसका कमरा, अभी थोड़ा देखने लायक रह रहा है। हाँ, और आज फिजा ने फर्स्ट टाइम कलर पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया है, तो सब्बा से मिलनी चाहिए, मतलब ठीक है, अभी वैसे सुधार बहुत करना है, बहुत ज़्यादा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करिए, ये अच्छी बात है, और धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी, सो गुड, थैंक यू। और इधर फिजा की पेंटिंग आप देख सकते हैं लगी हुई इतनी सारी, ये सब पुराना है। बहुत मुश्किलों से स्कूटी बाहर आई है, ये स्कूटी ढंग से निकलता नहीं, इसलिए ये भी एक रीजन है कि मैं स्कूटी लेके जाती नहीं, बट आज मैंने अकेले खुद निकाल लिया स्कूटी। फ्रेमिंग ये करवाती, वैसे आगे भी शॉप आपको मिल जाएगी आगे अगर आप आगे जाएंगे तो, और पीछे भी दो शॉप है, लेकिन मैं यहीं पे करवाती हूँ इन्हीं के पास, अच्छा करते हैं काम, और कुछ भी मिस्टेक हो तो वो भी ठीक कर देते हैं। तो अभी मेरा जो भी था वो सारा कुछ सही हो चुका है, बहुत सारी फ्रेमिंग मैंने करवाई थी, आप देख सकते हो। हाँ, तो सारा कुछ सही हो चुका है। तो भैया आप थोड़ा सा अपना बता दीजिए, कोई अगर फ्रेम करवाना चाहे तो आप हर तरह की फ्रेमिंग करते हैं? हमारे हर प्रकार की फ्रेमिंग होती है, ग्लास वाली फ्रेमिंग होती है, फाइबर शीट होती है, लेमिनेशन होती है। अच्छा। और पेंटिंग जो माउंट शीट करके बॉर्डर देकर भी बनाया जाती है, तो हर एक प्रकार का फ्रेमिंग हो जाती है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि हर तरह की फ्रेमिंग हो जाती है, और प्राइस की बात करें तो प्राइस ऐसा मत सोचिए कि बहुत है, रीजनेबल प्राइस है, ठीक है, आप आराम से, और कुछ मिस्टेक होता तो बहुत लोग उसको सही नहीं करना चाहते, बट आपने देख सकते मैंने सारे कुछ ना कुछ मिस्टेक था वो सभी इन्होंने सही किया अभी मेरे सामने, तो ये भी बात अच्छी होती है शॉप कीपर की कि होनी चाहिए। तो अगर आप फ्रेमिंग करवा रहे हो तो आप इस शॉप पे ज़रूर आइए, और कैनवस हो चाहे कोई भी फ्रेमिंग हो, किसी तरह की फ्रेमिंग हो, आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये पूरा। और ये कहाँ पे पड़ेगा तो मैं बता दूँ, संकट मोचन, आगे संकट मोचन की गली है, ठीक है, जैसे इसके आगे, इसी के पीछे आपको यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अगर वहाँ पे आप देख सकते हैं मेगा शॉप है, मेगा शॉप की अपोजिट साइड आपको यहाँ पे आना है, और मैंने दिखा दिया है विनोद फोटो फ्रेमिंग, यहाँ पे आप आके फ्रेमिंग अच्छे से करवा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट तो मेरा सारा हो गया है, अब मैं यहाँ से इसे लेके, पेमेंट तो मैंने पहले ही कर दिया था, अब मैं लेके जा रही हूँ। चलो बैठो, तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं गुपचुप खाने के लिए, जो ऑल टाइम फेवरेट होता है लड़कियों का, और यहाँ पे बहुत टेस्टी, मतलब आप देख सकते हो कितने सारे फ्लेवर्स के पानी है, बहुत टेस्टी गुपचुप मिलती है। तो फिलहाल गुपचुप खाते और निकलते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग अगेन आ चुके हैं एज यूजुअल उसी शॉप पे, आर्ट गैलरी, क्योंकि हम लोग को लेना है एवरेज सीट। पता नहीं भैया तो दिख ही नहीं रहा, अच्छा तो यहाँ पे एवरेज सीट दे दीजिए, एवरेज सीट बोलते ना फिजा। तो अगेन हम लोग आर्ट गैलरी शॉप पे आ चुके हैं, और आप लोग को भी सामान लेना है तो आप लोग इस शॉप पे आ सकते हैं, एकदम सही प्राइस में सारे मटेरियल यहाँ पे दिए जाते हैं। और अभी हम लोग को लेना है ग्रे सीट और एवरेज सीट, वो लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। फाइनली मैं रूम पे आ चुकी हूँ, और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली जो भी मैंने फ्रेमिंग करवाई है और अपने वर्क जो मैंने पीछे लगा रखा है, अभी आप देख सकते हो ये सारे वर्क मैंने अपने टेबल पे लगा रखा है, और मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, और आप बताना कि आपको ये सारे वर्क कैसे दिख रहे हैं। तो आज मैंने ये सारे वर्क फ्रेमिंग करवा दी है ताकि मैं यहाँ पर लगा सकूँ, और ये सभी के वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरा स्टैंड है जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं वर्क। और अभी मैं ऊपर भी और भी वर्क हैंग करने वाली हूँ, तो उसका भी थोड़ा वेट कीजिए, आपको और भी वर्क देखने को मिलेंगे। और मुझे तो देख के खैर बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये मेरा अब प्रॉपर वे में बन चुका है कि मैं आराम से यहाँ पर बैठूँगी, और यहाँ पर देख सकते हो टेबल, यहाँ पर मैं गिम्बल रखने वाली हूँ, और यहाँ से मैं वीडियो शूट करती हूँ। और कैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये आपको मेसी रिवर बाई केएस के चैनल पे दिखेगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी रात के 11 बज चुके हैं, ठीक है, और मैं फ़िलहाल खाना वाना खा के आ चुकी हूँ, और अब थोड़ी देर बाद मुझे वीडियोस बनाने, क्योंकि अब मैं वीडियोस रात में ही बनाती हूँ भी लेट नाइट, क्योंकि दिन में बनाने से यहाँ पे बहुत शोर होता है, पूरा गाड़ी हमेशा चलते रहता है और वीडियोस के बैकग्राउंड में पूरा शोर आता है, इसलिए अब मैं वीडियोस रात में बना रही हूँ, मतलब 1 बजे के बाद ही बनाती हूँ। तो तब तक कुछ पढ़ लेती हूँ थ्योरीज, उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नहीं गए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे। सी यू टुमारो, गुड नाइट।